फ्रेंड्स, मैं अभा खत्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, भरवा बैंगन की सब्जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन, जो इस तरह के मैंने छोटे वाले बैंगन लिए हैं। प्याज, एक बड़ा प्याज मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। एक प्याज की प्यूरी भी ले ली है। दो टमाटर की प्यूरी है। कोरिएंडर लीव्स है। ग्रीन चिली पेस्ट है। गार्लिक पेस्ट है। मसालों में राई और जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला। सबसे पहले बैंगन को हमें इस तरह से काट लेना है। देखिए, इस तरह से सभी बैंगन को हम काट लेंगे। देखिए, मैंने सभी बैंगन को इस तरह से काट लिया है और पानी में डाल के रखा है, जिससे बैंगन हमारे काले नहीं पड़ेंगे। अब मैंने एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल ले लूंगी। अब सबसे पहले ऑनियन की पेस्ट थी वो डालेंगे। गार्लिक की पेस्ट डाल देंगे। ग्रीन चिली की पेस्ट थी वो डाल देंगे आधी, और आधी हम रख लेंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सॉल्ट डालेंगे, ये ग्रेवी के माप का ही सॉल्ट डालेंगे हम, 1 से 1.5 चम्मच। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब ड्राई पाउडर डाल के और मिक्स कर लेंगे ग्रेवी को। और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। हमें थोड़ी ज़्यादा डालना है कोरिएंडर लीव्स, क्योंकि ये मसाला हमने बैंगन में भरने के लिए बनाया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसे मैं एक बाउल में खाली कर लेती हूँ। हमने जो ग्रेवी तैयार की थी उसे एक एक करके इसे बैंगन में हम भर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमें सभी बैंगन में भर लेना है ग्रेवी को। देखिए, इस तरह से मैंने सारे बैंगन भर लिए हैं और जो ग्रेवी बची थी उसे बचा लिया आधा मैंने सब्जी में डालने के लिए। अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए मैं पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल लूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें राई डालेंगे। ऑनियन जो मैंने स्लाइस में काटे थे वो डाल देंगे। ऑनियन को ब्राउन हो गया तब तक भूनना है। ऑनियन हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। ग्रीन चिली का पेस्ट जो हमने रखा था आधा वो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट हमने बैंगन में डाल रखा है, इसे थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल देंगे।
मिक्स कर लेंगे। अब जो बैंगन हमने भरे थे वो डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे बैंगन को अच्छी तरह से मसाले में। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग एक बाउल में ऐड किया है पानी। अब इसे ढक के हम 10 मिनट तक पका लेंगे धीमी आंच पर। अब देख लेते हैं हमारे बैंगन पकने को है। देखिए अब हमारे बैंगन जब आधे पक जाए इसमें जो हमारा मसाला बचा था वो डाल देंगे हम। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसे ढक के 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे बैंगन और ग्रेवी दोनों अच्छी तरह से पक चुकी है। हमारी भरवा बैंगन की सब्जी रेडी है। अब लास्ट में इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। अब हमारी सब्जी रेडी है, मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स रेडी है एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई गर्मा गर्म भरे हुए बैंगन की सब्जी, जो एकदम मसालेदार और तीखी है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।